hi everyone so today we are going to learn something about determiners this will be your one shot for determiners so this session is going to help you a lot because in 15 minutes you will understand what do we mean by determiners and how do we use them so saranghai to everyone my name is anushruti singh i am your An academy educator and i teach you guys english subject for both the 9th and 10th classes so let's see ki what do we mean by determiners let's break this word okay Alright, so in general English when you will pick up the dictionary, the word determiners or the word in particular determine means to be sure of. Okay? To be sure of. As you guys have already done models, I and mean in models we used will. Ki I will study. Means you are very determined to study. Means you have made sure ki you will go to study. Okay? So now the determiners they identify the noun They make sure that about what noun or which noun are we talking okay? So they are going to identify the noun Identify the noun And they are going to make sure about which noun we are talking So make sure of about which noun are we talking ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड कि वॉट आर डिटर्मिनर्स नाउ लेट अर सी कि वॉट आर द टाइप्स ऑफ डिटर्मिन हाउ मेनी टाइप्स आर देयर एंड हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दोज टाइप्स ठीक है लेट्स गो अहेड फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस दैट डिटर्मिनर्स ऑलवेज एंड ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन ठीक है सो ये वर्ड आपको इसे रिलेट कर लेना है कि जो डिटर्मिनर है वो हमेशा हमेशा नाउन के पहले ही होता है सो so बिफोर जैसे प्रिपोजिशन है ना प्रीपोजिशन मीन्स प्री ठीक है एंड पोजिशन टेल्स द पोजिशन ऑफ द नाउन सिमिलरली जो डिटर्मिनर है वो हमें यह तो बताएगा कि कौन सा नाउन है डिटर्माइन करेगा बट इसकी जो पोजिशन होगी दैट विल भी ऑलवेज बिफोर नाउन और ट्रो नाउन अंडरस्टो आई होप नाउ यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि भाई हम डिटर्मिनर सेंटेंस में पुट कहाँ पर करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेन ठीक है, नाउन ठीक है ये पेन नाउन हो गया दिस अपना डिटर्मिनर हो गया और जो मैंने आपका नाउन के बिफोर लगाए हैं ठीक है ठीके? आगे चलते हैं फटाफट से ऑल राइट गाइज सो लेट्स गो अड सो वी हैव लॉट्स ऑफ डिटर्मिनर्स अंडरस्टैंड की हाउ मेनी टाइप्स आर देयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी है देन वी हैव पोजेसिव डेमोन्स्ट्रेशन है ठीक है सो दीज आर सेवन टाइप्स ऑफ डिटर्मिन अपार्ट फ्रॉम दीज वी हैव एट्थ वन इज प्री डिटर्मिनर ठीक है आई हैव नॉट मेंशनड ओवर ईयर क्योंकि इतना हमें यूज नहीं करना इस बार प्री डिटर्मिनर एंड देन नाइन्थ वी हैव कार्डिनल्स ठीक है कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स ठीक विच कम्स अंडर नंबर्स ओनली ठीक है सो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी सिंगल टाइप ओके सो वट डू मीन बाई आर्टिकल्स आर्टिकल्स इन जनरल क्या मीन करते हैं ऑब्जेक्ट्स ठीक है आर्टिकल्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम जो आर्टिकल से रिलेट करेंगे वो क्या होंगे नाउन होंगे ठीक है वी आर गोइंग टू रिलेट नाउन ओवर हियर नाउ वी हैव थ्री आर्टिकल्स ए एंड द वी हैव फर्दर सेपरेटेड दैम अभी हमने क्या किया डिटर्मिन को क्लासीफाई करा अब हम क्या करेंगे फर्दर जो आर्टिकल्स हैं उनको भी क्लासीफाई करेंगे ठीक है तो आप लोगों ने क्लास सिक्स क्लास फाइव ठीक है बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि देर आर कॉन्सोनेंट्स एंड देर आर वॉवल्स ठीक है कॉन्सनेस एंड वॉवल्स होते हैं कॉन्सनेस होते हैं एंड वॉवल्स होते हैं अंडरस्टूड सो so, अब हम क्या करते हैं कॉन्सनेस और वॉवल्स की बेसिस पे भी हमने क्लासीफिकेशन कर दिया है हाउ हैव वी क्लासीफाइड दिस लेडसी सो वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ यू एग्जाम्पल्स वॉवल्स तो सबको पता है ए ई आई ओ यू एंड अपार्ट फ्राम दोज फाइव वॉवल्स वी हैव द रेस्ट ट्वेंटी वन अल्फाबेट्स एज कॉन्सनेस ठीक है लेकिन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ठीक है वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज प्रोनासीशन हमें स्पेलिंग पे नहीं जाना है हमें लेटर्स पर नहीं जाना है हमें किस पे जाना है प्रोनासीशन पे जाना है ठीक है

एंड जो द है ठीक है द इज यूज फॉर डेफिनेट नाउन्स अभी वॉट डू यू मीन बाई इनडेफिनेट और डेफिनेट इनडेफिनेट का मतलब होता है विच इज नॉट फिक्सड जैसे हमने टेंसेज में पढ़ा था सिंपल इनडेफिनेट है ना सिंपल या इनडेफिनेट तो प्रेजेंट इनडेफिनेट बोलते थे इनडेफिनेट पास्ट इनडेफिनेट फ्यूचर सिमिलरली वहाँ पे भी वो फिक्सड नहीं होता था यहाँ पे भी इट इज़ यूज फॉर नॉट फिक्सड नाउन्स ठीक है जैसे ही इज अपियन तो यूरोपियन तो बहुत सारे हैं ठीक है देर आर लॉट्स ऑफ यूरोपियंस कौन सा यूरोपियन है वी डोंट नो दैट बट कोई सा ठीक है कोई सा यूरोपियन वो है सो so अब यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन पे आ जाएंगे तो आप कहेंगे मैम द वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम ई बट हम लोगों ने ए यूज किया ई e तो वॉविल है ठीक है बट वी विल सी द प्रोनाउंसिएशन तो यहाँ पे जो आपने ई e का और यू का प्रोनाउंसिएशन देखा दैट इज य ठीक है य प्रोनाउंसिएशन अभी य को अगर मैं लेटर में लिखना चाहूँ इंग्लिश अल्फाबेट में तो इट विल बी वाई और वाई क्या होता है वाई होता है अपना कॉन्सोनेट ठीक है अंडरस्टूड तो आप लोगों ने ए यहाँ पे यूज किया है नॉट एन यहाँ पे क्या था सेंटेंस में यूरोपियन इनडेफिनेट नाउन है और यूरोपियन अपना कैसा नाउन होगा वॉवल वाला नहीं होगा इट विल बी कॉन्सोनेंट ठीक दिस इज अक आइडिया अगेन यू विल से मैम ये तो यू से स्टार्टेड है तो फिर मैं कहूंगी कि लेट्स प्रनाउंस इट तो जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो वो य आएगा ना कि अ साउंड आएगा य अपना कैसे काम करता है इट वर्क्स लाइक वाई ठीक है तो अगेन इट इज अ कॉन्सोनेंट इसलिए ए यूज कर रहे हैं ओके ही हैड एन अम्ब्रेला अब यहाँ पे हमने एन बिल्कुल करेक्ट यूज किया है क्योंकि यहाँ पे यू का जो साउंड है वो अ आ, आ रहा है तो जब मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ अ साउंड और इसको मैं चाहूंगी लिखना इंग्लिश अल्फाबेट में तो क्या हो जाएगा ये ए हो जाएगा विच इज अ अल ठीक है अंडरस्टूड तो इस तरह से आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं वाइल्ड प्रोनाउंसिंग ठीक है जब हम छोटे थे तो हम लोगों ने पढ़ा होगा टर्म फोनेटिक्स क्या होते हैं सो so यहाँ पे भाई फोनेटिक्स का यूज है मतलब कि हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स ठीक है इट डज़ नॉट मैटर कि उसकी स्पेलिंग क्या है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है या वॉबल से स्टार्ट होता है ठीक है ये सब मैटर नहीं करता बच्चा लोग अंडरस्टूड यहाँ तक तो आई होप कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ जस्ट मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन लास्ट में आपका होमवर्क भी है बहुत सारा ठीक है जो आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है ठीक ऑल राइट ही इज एन ऑनेस्ट मैन अब यहाँ पे आप कहोगे मैम ये एच से स्टार्ट है बट हमने यहाँ पे एन यूज किया है तो यहाँ पे एच साइलेंट है ठीक है वेन यू विल राइट दिस इन हिंदी एंड वेन यू विल प्रोनाउंस इट इट इज नॉट हॉनेस्ट ह नहीं आता है अ आता है तो ऑनेस्ट हो जाता है वो ठीक है इस तरह से तो अगेन दिस इज योर वॉविल क्योंकि अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखूंगी तो ए या ओ साउंड आएगा और जो कि वॉवल है ठीक है आई होप यू गाइज डिड नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन टिल हियर एन और ए में डिफरेंस पता चल गया लेट्स द अभी द बहुत ईजी है ठीक है द अपना डेफिनेट चीज़ों के लिए फिक्स चीज़ों के लिए स्पेसिफाइड चीज़ों के लिए ठीक है द इज यूज फॉर स्पेसिफाइड थिंग्स यूनिक थिंग्स ठीक है इट इज़ यूज फॉर साइंटिफिक फैक्ट्स यूनिवर्सल ट्रूथ ठीक तो यहाँ पर मैं साइंटिफिक फैक्ट लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल द माउंट एवरेस्ट पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही माउंट एवरेस्ट है ठीक तो इट इज़ यूनिक इंडिया के लिए भी आप द यूज़ कर सकते हैं हम लोग यू के लिए द यूज़ करते हैं आई लिव इन द यू एस बिकॉज पूरी वर्ल्ड में देर इज़ ओनली वन यू एस सो साइंटिफिक फैक्ट हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो जाएगा ठीक है दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एग्जाम्पल में दिस इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट क्योंकि द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट और सेकेंड वाले में यहाँ मैंने स्पेसिफिकेशन यूज़ करी है ठीक है स्पेसिफाई कराए कि मुझे इस स्कूल में किससे मिलना है प्रिंसिपल से मिलना अब स्कूल का प्रिंसिपल तो एक ही होगा ठीक है, स्पेसिफाई भी कर दिया यूनिक भी है क्योंकि इस स्कूल का प्रिंसिपल तो एक ही होगा ना गो अहेड आई होपर्टिकल इज ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड इट सेल्फ यू कैन ब्रेक डाउन कि भाई पॉजिटिव मतलब होता है ओनरशिप पॉजिटिव मीन्स ओनरशिप ठीक है अभी ओनरशिप मतलब ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर ऑफ द नाउन तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे ओनर से मतलब है कि ओनर ऑफ द नाउन ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है आई विल शेयर इट अगेन ठीक है मैं फिर से शेयर कर दूंगी ठीक सो so, अब ओनर ऑफ द नाउन मतलब कौन सा क्वेश्चन आंसर होना चाहिए अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि की इज दिस बॉटल हुज इज दिस पेन तो आप देखो कौन सा क्वेश्चन आंसर हो रहा है हुज़ वाला तो अगर मैं क्वेश्चन वर्ड में देखूँ कि हमें कौन से क्वेश्चन का कैसा आंसर मिलेगा तो हुज का आंसर मिलेगा ठीक है अभी हुज मतलब होता है कि कौन इसका ओनर है ठीक है टू विच दिस नाउन बिलोंग्स टू अंडरस्टूड दिस इज माई पेन दिस इज माई बॉटल दिस इज दैट इज योर बुक ठीक दिस इज माई हाउस ठीक है दिस इज हिज फोन तो अंडरस्टूड यहाँ पे हिज हर ठीक है माई yours ये सब इसलिए दिखा रहे हैं ठीक है वी आर यूजिंग दीज डिटर्मिनर्स टू शो कि हु इज़ द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन ठीक है दिस एंड दैट का भी यूज आपको बताती हूँ वो भी डिटर्मिनर होते हैं बट वो पोजिशिव में नहीं आते ठीक है वो किस में आते हैं वो आते हैं अपने डेमोन्स्ट्रेटिव में ठीक एग्जाम्पल देख लो यार ही इज़ माई अंकल अभी ही प्रोनाउन हो जाएगा तो कन्फ्यूज मत होना कि मैम हिज तो आपने बताया हिज बताया मैंने ही नहीं बताया ठीक है हिज तो अपना हो गया पोजिसिव डिटर्मिनल बट यहाँ पे ही है विच इज अ प्रोनाउन ठीक है अंडरस्टूड हिज हो गया हर हो गया ठीक तो यह है शी नहीं होगा अगेन शी विल बी प्रोनाउन तो ये क्या ये यहाँ पे प्रोनाउन है बट अगेन इन दिस सेंटेंस यू आर टॉकिंग अबाउट अ नाउन जो कि अंकल है ठीक है अंकल क्या है नाउन है ठीक है आर नेबर किसका नेबर हुज नेबर क्वेश्चन देखो कौन सा आ रहा है हुज तो ऑब्वियसली हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे ओनर की बात कर रहे होंगे ओनर की बात कर रहे हैं तो पॉजेसिव डिटर्मिनर की बात कर रहे हैं आर नेबर ठीक है योर डॉटर इज़ ब्यूटिफुल वॉट इज हर एज वॉट इज हिज नेम डू यू नो इट्स वैल्यू देयर हाउस इज वेरी बिग सो ये सब आपको समझना है अब यहाँ पे देर से कन्फ्यूज मत होना ठीक है ये देर जो है वो पोजेसिव के लिए है अब आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव पे डेमोस्ट्रेटिव का बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ वेन एवर वी वॉन्ट टू बाई समथिंग ठीक है वी डू अ थरो रिसर्च कि यार इसके फीचर्स देख लेते हैं ठीक है लेट्स इट्स फीचर्स प्रोज एंड कॉन्स की प्रॉपर लिस्ट बनाते उतने पैसे खर्च करेंगे वी आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं ठीक है फिर आप जाते हैं शॉप पे फिर क्या करते हैं वहाँ पे सेल्स पर्सन रहता है एंड व्हाट ही डज वो आपको दो तीन ऑप्शंस बताता है कि सर आपका बजट ये है आपकी फ़ीचर्स की रिक्वायरमेंट ये है सो लेट्स गिव यू अ प्रॉपर डेमो ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स ठीक है व्हेन ही गिव्स यू अ डेमो ही स्टार्ट्स टेलिंग देयर फीचर्स तो अभी फीचर्स कैसे बताएगा दिस फ़ोन हैज़ अ एट मेगा पिक्सल कैमरा बट दैट फोन हैज़ अ ट्वेंटी फोर मेगा पिक्सल फ्रंट कैमरा ठीक है दिस फ़ोन हैज़ दिस प्रोसेसर बट दैट फ़ोन हैज़ दिस प्रोसेसर तो मैं आपने देखा मैंने दिस दैट बार बार यूज़ किया है जो सेल्स पर्सन है वो बार बार दिस दैट का यूज़ कर रहा है यहाँ पे जो आपको पता चलेगा कि विच नाउन हुज नाउन नहीं विच नाउन तो दिस नाउन किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं इस वाले नाउन के बारे में बात कर रहे हैं बता रहे हैं तो दिस नाउन उस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट तो जब दिस दैट दीज दोज का यूज आ जाए तो हम कहते हैं भाई डेमिन क्योंकि डेमो दे रहे हैं ना डेमो दिखा रहे ये ये वाला नाम अंडरस्टूड तो भाई यहाँ पे आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि डेमोस्ट्रेटिव और पोजेसिव में डिफरेंस है पोजेसिव ओनर मतलब नाउन तो क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं जब हम पोजेसिव पढ़ रहे थे तो नाउन पूछते थे कि किसका नाउन है बट जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ रहे तो हम विच नाउन बोलते हैं कि कौन सा नाउन भाई ठीक है कहाँ है वो नाउन तो दिस नाउन दैट नाउन अंडरस्टूड क्वेश्चन वर्ड से इजी हो जाता है जब आपको सेंटेंस देखा ना जस्ट आस्क दी क्वेश्चन अबाउट दैट पर्टिकुलर नाउन लेट्स सी द एग्जांपल्स वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर फोर इयर्स ठीक है वी तो आपका प्रोनाउन हो गया है ना अभी दिस हाउस तो इन विच हाउस यू लिव्ड इन दिस हाउस ठीक है शी बॉट दीज बुक्स अभी नाउन यहाँ देखो नाउन से मत बिल्कुल वो होना कि कौन सा नाउन है हाउस इज द नाउन ओवर हियर बुक्स इज द नाउन ओवर ईयर क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था डिटर्मिन कैसे है भाई डिटर्मिनस नाउन के जस्ट पहले आता है जस्ट बिफोर द नाउन तो आइडेंटिफाई करना इतना टफ थोड़ा ही ये अपना नाउन हो गया यहाँ पे दिस इज ऑल्सो अउन ठीक है नाउ इन दिस वीक इज अव ठीक है आपका यहाँ पे वीक नाउन हो जाएगा अंडरस्टंड तो हम लोगों ने क्या किया भाई कैसे नाउन आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि डिटर्मिनस जो है होता है नाउन के जस्ट पहले ही लग रहा है ना कोई बीच में गैप नहीं आ रहा है ना अंडरस्टूड चलो जी यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस कुछ भी डाउट हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन और आपको नेक्स्ट कौन सा वन शॉट चाहिए ये भी मुझे बताना ऑल राइट डिस्ट्रीब्यूटे विज दो वेरी इजी ठीक है व्हेन वी वर इन स्कूल ठीक है अभी लॉकडाउन में तो स्कूल गए नहीं हम लोग सो so, जब हम स्कूल में थे तो हमारा बर्थडे आता था और हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते थे ना कि आज तो यूनिफॉर्म में नहीं जाना है आज बिल्कुल कैजुअल में जाना बिल्कुल एकदम हीरो hero, हीरोइन बन के जाएंगे आज एंड हम लोग स्वीट्स लेके जाते थे या टॉफीज लेके जाते थे कि वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट ठीक है अपने बेस्ट फ्रेंड को तो ज़्यादा देंगे बाकी क्लास को दे देते हैं टीचर्स को देंगे अपने फेवरेट टीचर को ज्यादा चॉकलेट्स या टॉफीज देंगे सो सिमिलरली यहाँ पर भी जो डिस्ट्रीब्यूटिव है दैट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द नाउन मतलब दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नाउन कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे नाउन को एज अ डिटर्मिनर यहाँ पे यूज करके कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ठीक है अभी देखो मैं आपको यहाँ पे ईच वर्सेस एवरी में भी डिफरेंस बताऊंगी पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है तो मैं आपको ईच वर्सेस एवरी अभी यहाँ पे नोट कर दूंगी आप लोग भी इसका स्नैप ले लेना पी आपको मैं दे दूंगी ही मेट ईच गेस्ट ठीक है एक एक गेस्ट से जाके वो मिले तो यहाँ पे ईच हो गया है ना गेस्ट अपना नाउन हो गया बहुत ईजी आइडेंटिफाई करना क्योंकि डिटर्मिनर जो है वो नाउन के जस्ट बिफोर लगता है ईच रिक्वेस्ट विल बी कंसीडर एक एक रिक्वेस्ट को हम कंसीडर करेंगे आई अग्री विथ एवरी वर्ड ही सेज अब ठीक है एवरी हो गया और वर्ड हो गया वर्ड भी क्या हो गया अपना नाउन हो गया तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ द मिनिस्टर विजिटेड एवरी फ्लड अफेक्टेड एरिया तो एवरी फ्लड अफेक्टेड एरिया ठीक है तो यहाँ पे फ्लड अफेक्टेड एरिया जो हो जाएगा अपना नाउन हो जाएगा ठीक है इधर नीधर पे भी बाद में आएंगे अब यू गाइज वॉन्ट टू नो कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी तो मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बहुत ईजी है ईच और एवरी एक ही जैसा काम करता है ठीक है दोनों ही सिमिलर वर्क करते हैं कि टू या मोर देन टू नाउन्स होते हैं तो ईच यूज करते हैं थ्री या मोर देन थ्री नाउन्स होते हैं तो एवरी यूज़ करते हैं तो सेम ही यूज है ठीक है टू और थ्री में डिफरेंस ही कितना है लेकिन जब डिफरेंस आता है दैट इज वेन वी वॉन्ट टू ट्रीट इच नाउन इंडिविजुअली तो हम जब नाउन को ठीक है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्रीट नाउन ये एन ना आपका नाउन के लिए है इंडिविजुअली तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा भाई दैट विल बी ईच की ट्रीट नाउन इंडिविजुअली एक एक नाउन के बारे में हम जैसे एग्जाम्पल देखो ही मेट ईच गेस्ट एक एक गेस्ट से जाके मिला ना अगर थाउजेंड गेस्ट आएंगे फिर भी वो थाउजेंड गेस्ट से जाके मिला होगा अंडरस्टूड अब यहीं पे मैं अगर एवरी की बात करूं ठीक है लेट्स डिस्कस अबाउट एवरी तो भाई एवरी की जब हम बात करते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो वी आर ट्रीटिंग द नाउन एज कलेक्टिव नाउन ट्रीट नाउन एज कलेक्टिव इन जनरल ठीक है अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो आई अग्री विथ एवरी वर्ड ही सेज तो मैं एक एक वर्ड तो नहीं पकड़ूंगी उसका ठीक है इन जनरल मैं बोल रही हूँ कि हाँ यार आई अग्री विथ हिम समझे मैं एक एक वर्ड पकड़ के नहीं बैठ रही हूँ उसका की हाँ जी उसने सौ वर्ड्स बोले मैं एक एक वर्ड ले लेती हूँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है नहीं आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाँ इन जनरल आई अग्री विद हिम वट एवर ही मतलब कि एक क्या पता सौ फ्लड अफेक्टेड एरिया उसमें से एक दो मिस हो गए हों बट इन जनरल उसने 95, 96 एरियाज तो कवर कर लिया तो मैं यही कहूंगी ना कि हाँ यार उसने सारे एरियाज कवर कर लिए ठीक है ही कवर्ड एवरी एरिया तो मतलब इन जनरल मैं एज अ कलेक्टिव नाउन बता रही हूँ एक एक एरिया के बारे में नहीं बता रही हूँ अगर मैं यही बोल देती द मिनिस्टर विजिटेड ईच एंड एवरी फ्लड अफेक्टेड एरिया मतलब कि उसने सारे एक भी नहीं छोड़ा ठीक है उसने सारे फ्लड अफेक्टेड एरिया विजिट करे दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी इधर एंड तो बहुत ईजी मतलब है इधर मतलब ऑप्शन दो ऑप्शन है उसमें से एक चूज करना है नहीं इधर मतलब दो ऑप्शन है दोनों में से कुछ भी चूज नहीं करना है ठीक है ईदर ऑफ द टू गर्ल्स शुड कम हियर मतलब दोनों में से कोई एक आ जाए नीदर बॉय सेट एनीथिंग दोनों लड़कों में से किसी ने कुछ नहीं कहा नीदर आंसर इज करेक्ट दोनों आंसर में से कुछ भी करेक्ट नहीं है ठीक है तो इट इज ऑल्सो वेरी इजी डिस्ट्रीब्यूटिव भी हम समझ गए क्वॉंटिफाइज इज अगेन वेरी इजी क्वान्टिफाइज मतलब क्वान्टिटी मेजर करना क्वान्टिटी बताना अभी क्वान्टिटी कैसे बताएंगे यार अननोन क्वान्टिटी होगी जैसे हमें एग्जैक्टली exactly पता ना हो एग्जैक्ट नंबर पता ना हो बट आइडिया हो कि ज्यादा है या कम है तो सम फ्यू मच मैनी लॉट ऑफ ये सारे क्या हो जाते हैं आपके हो जाते हैं तो क्वॉंटिटी के लिए होता है ये यूज ठीक है देयर वर सम पीपल एट द एयरपोर्ट अभी एयरपोर्ट पे यार लोग फिक्स तो होते नहीं है अराइवल डिपार्चर होता रहता है ना तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिक्स थोड़े है तो मैंने सम यूज किया बिकॉज वी डोंट हैव द एग्जैक्ट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट ऑन द एयरपोर्ट प्लेंटी ऑफ पीपल वुड लाइक टू हैव योर जॉब प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा लोग है ना तो ज्यादा के लिए मैंने यहाँ प्लेंटी यूज कर दिया दे मेक मच प्रोग्रेस अभी प्रोग्रेस को काउंट नहीं कर सकते यार तो मैंने क्या किया यहाँ पे मच यूज कर दिया देर इज नो मिल्क अभी मिल्क को भी काउंट नहीं कर सकते तो यहाँ पे नो no कर दिया देर इज इनफ पाउडर इन द कैन तो मैंने यहाँ पे कहा कि सफिशियंट पाउडर है पाउडर को काउंट नहीं कर सकते अनफ कर दिया तो ये क्वॉंटिफाइज हो गए ओके okay, नंबर्स पे आ जाते हैं नंबर्स तो इजी जहाँ पे आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी पता हो या नंबर पता हो एग्जैक्ट नंबर इज नोन और नंबर किसका पता हो सकता है नंबर तो हमको काउंटेबल नाउन उनका पता हो सकता है देयर वर ओनली टेन बॉयज इन आरथ क्लास लिव्ड फॉर एट्टी इयर्स अगेन नंबर पता है हमको ही हैज़ टू डॉटर्स आई मेट थ्री यंग मैन एट द स्टेशन ही बैलेंस्ड हिमसेल्फ ऑन वन फुट ठीक है तो अंडरस्टूड है यहाँ पे तो कि एग्जैक्ट नंबर दिया तो नंबर्स यूज कर लिए ठीक Alright, आगे चलते हैं ये आपको मिलेगा पीडीएफ में प्रॉपर डेफिनेशन ताकि आपको पता हो अब एक चीज मैं आप खुद ही आपको बता देतीन बाई कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना ठीक है कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स के बारे में आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स ठीक ये आपको बताना है दिस विल बी योर होमवर्क जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा बताना जरूर बिकॉज आई विल देन मेंशन दैट स्टूडेंट नेम ऑन द टॉप ठीक है मैं यहाँ पे आके कमेंट्स चेक करूंगी और मैं उस बच्चे का नाम टॉप पे दूंगी ठीक है अभी यहां देखते हैं क्योंकि ये तो आपका होमवर्क है एक हमने छोड़ा था मिस किया नहीं है छोड़ा है उसको जानबूझ के ठीक है दी अदर काइंड ऑफ डिटर्मिनर विच इज प्री डिटर्मिन अभी प्री का मतलब तो समझ में आ गया ना प्री मीन बिफोर ठीक है तो प्री डिटर्मिनस क्या हो जाएंगे बचा लोग प्री डिटर्मिन हो जाएंगे जो डिटर्मिनल के भी पहले लगते हो ठीक है डिटर्मिन यूज बिफोर डिटर्मिन ठीक है देख रहे खिचड़ी पक गई ना यूज बिफोर डिटर्मिन ठीक है अभी मैम ये क्या होता है प्री डिटर्मिनस क्या हो जाएगा बताओ प्री डिटर्मिनस तो डिटर्मिनस के ही पहले हो जाता है तो हमने क्या किया प्री डिटर्मिनस को थ्री पाँच में भी डिवाइड कर दिया है नंबर वन इज योर मल्टीप्लायर ठीक देन सेकेंड इज योर फ्रैक्शन एंड थर्ड इज योर इंटेंसिफायर सेंटेंस को थोड़ा इंटेंसिफाई कर देता है ठीक है एग्जाम्पल्स से ही होंगे एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं बहुत 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 ईजी एग्जाम्पल्स हैं लेट्स सी मल्टीप्लाइज मतलब ट्वाइस डबल थ्राइस है ना ट्रिपल तो ये सारे तुम्हारे हो गए थ्राइस हो गया ट्रिपल हो गया ठीक है ये हो गया तुम्हारे मल्टीप्लाईज मतलब मल्टीप्लाई कर देना ठीक फ्रैक्शन मतलब वन थर्ड टू थर्ड टू फोर्थ ठीक है तो जस्ट हाफ ठीक तो तुम्हारा क्या हो गया फ्रैक्शन मतलब कि वन थर्ड हाफ ये सब क्या है तुम्हारा फ्रैक्शन में लिखोगे तो वन बाई थ्री लिखोगे ना अगर मैं चाहूँ तो वन बाई थ्री तो लिखोगे तुम इस तरह से? देखो one third हो जाता है, one by three, और half हो फ्रैक्शन है इंटेंसिफायर तो क्या है इंटेंसीफायर होता है कि यू आर सो ब्यूटिफुल ठीक है वी आर वर्किंग सो हार्ड ठीक है तो यहाँ पे इंटेंसिफायर आपका हो जाता है सो so. और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है तो एग्जाम्पल ज़रूर देना कार्डनल्स ऑर्डिनल्स आपको ही बताना है ठीक है यू गाइज आर गोइंग टू टेल मी बिकॉज कार्डनल्स ऑर्डिनल्स सबसे ईजी है कुछ है नहीं उसमें ठीक है सो यू गाइज आर गोइंग टू टेल मी तो इंटेंस वायर हो गया सो सच ही हैज़ सच ब्यूटिफुल आईज और मैं अगर ये कहूँ ही हैज़ सच अ नाइस पेयर ऑफ शूज़ तो आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो इंटेंसीफायर को कैसे डिटर्मिनर के पहले यूज़ किया ठीक प्री डिटर्मिनर का एग्जाम्पल देख लो आप लोग यहां पे? कि कैसे डिटर्मिनर के पहले यूज करते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक ही हैज सच नाइस पेयर ऑफ शूज अब ए क्या है अपना ए डिटर्मिनर है और बी यहाँ पे सच क्या हो जाएगा अपना प्री डिटर्मिनर तो मैं पर्पल से अगर यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ सच विथ पर्पल मतलब कि अपना प्री डिटर्मिनर है और अगर मैं रेड से अंडरलाइन कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ डेफिनेशन डिटर्मिन की रेड में लिखी है तो वो क्या हो गया अपना डिटर्मिनर दिस इज डिटर्मिनर ठीक यहाँ पे डी मैंशन कर देती हूँ देखा आपने एग्जाम्पल सच इंटेंसिफायर है प्री डिटर्मिनर है और वो अगर डिटर्मिनर के पहले लग जाता है तो थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर देता है एक तरह से सेंटेंस को कि कितने अच्छे शूज हैं उसके पास इस तरह से ठीक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी कार्डिनल्स वार्डनल जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे और राइट right, आगे चलते हैं यार ये बहुत जरूरी है जानना ठीक है ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिटर्मिनल हम यूज कब करते हैं ये करना है नहीं करना है बहुत कंफ्यूजन आता है आई एम रीडिंग बुक आई एम रीडिंग अ बुक ठीक है दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आई एम रीडिंग अ बुक क्योंकि यार बताना पड़ेगा थोड़ा सा बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे रही हो मैं एक टाइम पे दो बुक्स थोड़ी पढ़ सकती हूँ कि यहाँ पे यह पढ़ रही हूँ यहाँ पे पढ़ रही हूँ ऐसे नहीं कर सकती ना इतनी टैलेंटेड नहीं है मैं एल्बर्ट आइंस्टीन नहीं हूँ ठीक तो ऑब्वियसली मैं एक टाइम पे एक ही बुक पढ़ रही हूँ सो आई एम रीडिंग अ बुक तो मुझे बताना जरूरी है सिंगुलर नाउन जो होते हैं दे ऑलवेज नीड अ डिटर्मिनल ऑलवेज नीड्स Determiner, क्योंकि बताना जरूरी है ना यार उसके बाद में ठीक ठीक है कैसे uh, I ate an apple today. Apple singular हो गया तुम्हारा क्या होता है determiner होता है ठीक है देखो यहां हूँ अगर मैं सिंगुलर नाउन का एग्जाम्पल दूँ ठीक है ऑलवेज नीड्स डिटर्मिनर तो आई एट एन ठीक है एन एप्पल टुडे, ठीक है अब यहाँ एप्पल सिंगुलर है तो मैंने यहाँ पे डिटर्मिनर जो है वो कंपलसरी कर दिया कि यहाँ पे तो होना ही चाहिए ठीक अब अगर मैं प्लूरल नाउन की बात करूँ तो ऑप्शनल हो जाएगा ना ठीक है लेट्स टॉक अबाउट प्लूरल नाउन ठीक तो प्लूरल नाउन के लिए मैं आई एट एप्पल्स ठीक है एप्पल्स plural के लिए दिखा रही हूँ मैं टुडे तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया कि यार ये प्लूरल नाउन है प्लूरल नाउन है बट मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया बट इसी सेंटेंस को मैं एक और तरह से लिख सकती हूँ ठीक है इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आई एट लॉट्स ऑफ एप्पल्स टुडे क्योंकि लॉट्स ऑफ क्या हो गया लॉट्स ऑफ अपना डिटर्मिनर हो गया ठीक है तो मैंने सेम सेंटेंस को देखो ना यहाँ पे लिख दिया दूसरे वे में ठीक है एक दूसरे वे में लिख दिया जहां पे मैंने डिटर्मिन का यूज किया तो ऑप्शनल है अनकाउंटेबल नाउन्स में भी डिटर्मिनर ऑप्शनल होता है ठीक आई हैड मिल्क इन ब्रेकफास्ट टूडे देखो तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन भी मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे I had milk. अभी milk क्या uncountable noun है In a breakfast, that's it. Breakfast में मैंने milk लिया था I had just milk. ठीक है But इसी को मैं एक दूसरे तरह से भी लिख सकती हूँ जिसमें मैंने determiners का use किया हो I had some milk, some milk in breakfast. ठीक है अंडरलाइन कर देती हूँ यहाँ पे मैं ठीक है लेट मी अंडरलाइन द डिटर्मिनर ओवर हियर तो आपके लिए इजी हो जाएगा यहाँ पे तो है नहीं तो नो no डिटर्मिनर बट यहाँ पे मैंने क्या किया सम यूज करा है तो ये अपना डिटर्मिनर है अगेन यू कैन राइट दिस सेंटेंस यूजिंग डिटर्मिनर और विदाउट यूजिंग डिटर्मिनर मर्जी आपकी है ठीक है तो इसको हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं तुम्हारा ये क्या हो जाएगा सिंगुलर नाउन प्लुरल नाउन एंड दिस इज अनकाउंटेबल नाउन यूसी मतलब अनकाउंटेबल नाउन ठीक है तो ऑप्शनल आपको समझ में है कि कैसे यूज करना है सिंगलर नाउन में हमेशा यूज करते हैं एक ही ऐसा एग्जाम्पल एक ही ऐसा टाइप है जहां पे हम डिटर्मिनर हमेशा हमेशा यूज करते हैं ठीक है ओके सो लेट्स कम हियर हेयर बचलो कि मैंने आपको टाइप्स बता दिए आर्टिकल्स हमने देख लिए ठीक है डेमोन्स्ट्रेटिव भी पढ़ लिया हमने पोजेसिव भी पढ़ लिया हमने और क्या पढ़ा क्वॉंटिफाइज पढ़ा है ठीक है ऑर्डिनल्स आप मेरे को बताने वाले हैं

अबाउट विच नाउन आर यू टॉकिंग ठीक तो हो गया हमारा इंटरोगेटिव वाला क्वेश्चन वाले तो सेक्शन मुझे कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स बताने हैं ठीक है एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है डिफरेंस जानना कि हम लोग फ्यू सम लिटिल कब यूज करते हैं तो ये आपको बता देती हूँ फ्यू इज यूज टू मॉडिफाई काउंटेबल नाउन डिटर्मिनल्स मॉडिफाई आइडेंटिफाई यही सब करने के लिए तो होते हैं नाउन को काउंटेबल लाउन के लिए यूज होता है अपना फ्यू ठीक है बट सम जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो जाता है मतलब फ्यू अनकाउंटेबल के साथ नहीं जाएगा सिर्फ काउंटेबल बट जो सम है वो दोनों के साथ जैसे अभी मैंने मिल्क बोला था आई हैड सम मिल्क इन ब्रेकफास्ट मिल्क इज अनकाउंटेबल आई हैड सम एप्पल इन ब्रेकफास्पल्स इज काउंटेबल ठीक है आई हैड फ्यू एपल्स इन ब्रेकफास करेक्ट है बट आई हैड फ्यू मिल्क इन करेक्ट है ठीक फ्यू इंडिकेट्स नंबर लेस दैन फाइव ऑब्वियसली बहुत कम होता है तभी तो कहते हैं ना आई हैव फ्यू मार्क्स या राइस कोर्ट फ्यू मार्क्स इन माई पेपर्स ठीक है बहुत कम नंबर आए होंगे बट सम जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा फाइव से तो ज़्यादा ही अगर मैं ये बोलती हूँ आई हैड फ्यू एप्पल्स मतलब मैंने दो ही तीन खाएंगे बट अगर मैं कहती हूँ आई हैड सम्पल्स तो मैंने कम से कम सिक्स सेवन एप्पल्स खाए ठीक अंडरस्टूड तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो सम है दैट इज एप्लीकेबल टू बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन अंडरस्टूड यही दो आपको डिफरेंस देखने पड़ेंगे फटाफट पड़ से देखते हैं फ्यू और अ फ्यू की क्या होता है भाई दोनों में अभी फ्यू और अ फ्यू ना देखो दिखाएंगे तो सेम चीज ही ठीक है कि नाउन नाउन जो है है दैट इज वेरी लेस इन नंबर अपना बहुत कम बट देन एक सेंटेंस को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स आई एम मेकिंग श्योर कि मेरे पास कुछ दोस्त पक्का पक्का हैं ठीक है ठीके? मैं मेक श्योर sure कर रही तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर हम ऑफ यू यूज करते हैं मतलब कि श्योर से ठीक है विथ फुल श्योरिटी फुल एश्योरेंस आई हैव फ्यू फ्रेंड्स की मेरे तीन चार दोस्त तो हैं ही यार ठीक है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है कि मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं नॉट श्योर यहाँ पे आई एम नॉट टेलिंग यू दिस विथ फुल श्योरिटी ठीक है तो आपका जो अफ यू है थोड़ा पॉजिटिव में बन गया मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पॉजिटिव सेंटेंस है ना कि मेरे कुछ दोस्त हैं पर यहाँ जो नॉट चोर sure है मतलब नेगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा बना रहे हैं नेगेटिव वे में कि यार मेरे कम ही दोस्त है मतलब आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ठीक All right. आगे चलते हैं लिटिल वर्सेस अ लिटिल में सेम वैसा ही डिफरेंस है जैसे फ्यू और अ फ्यू में है लेकिन लिटिल में क्या है ना जैसे फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता था वैसे लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है लिटिल एंड अ लिटिल इज यूज विथ अनकाउंटेबल और द फ्यू भी होता है ठीक है द फ्यू भी होता है और द लिटिल भी होता है अगेन यहाँ पे जो द है ना वो कैसे यूज़ कर रहे हैं कि भाई स्पेसिफाई कर रहे हैं ठीक है स्पेसिफाई कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा था अभी तो पढ़ा आर्टिकल्स में तो जब आपको द फ्यू द लिटिल दिखे तो ट्रीट द एज एन आर्टिकल तब आप सेंटेंस में ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है वी हैड लिटिल टाइम टू प्रिपेयर बिफोर वी हैड टू गो वी हैड अ लिटिल टाइम टू प्रिपेयर बिफ़ोर वी हैड टू गो अब जब मैंने लिटिल कहा मैं बोल रही कि हाँ मेरे पास बहुत कम टाइम था बट अगर मैंने कहा वी हैड अ लिटल टाइम तो पक्का पक्का थोड़ा सा टाइम था मतलब पेपर अच्छा है, मैंने उतने टाइम में अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ठीक है सो so यही डिफरेंस है जैसा फ्यू और वो काउंटेबल नाउन था और ये होता है यूज अपना अनकाउंटेबल के लिए ठीक है आर योर होमवर्क ठीक है मैंने यहाँ पे आपको कम से कम नाइन टेन क्वेश्चन दिए हैं तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन लिख देना क्वेश्चन नंबर पुट करके ठीक है डैश ऑफ द पीपल हु केम हैव लेफ्ट मोस्ट मेनी एवरी या ईच ऑल आर डिटर्मिन वी नीड टू डू डैश ऑफ वर्क बिफोर द इवेंट स्टार्ट मच अलॉट मोर या सम ऑल आर अगेन डिटर्मिन देयर आर डैश मैसेजेस फॉर यू नन नो मच और लिटिल सारे डिटर्मिन हैं तो मैंने ऐसे करके आपको कम से कम यहाँ पे टेन क्वेश्चन नाइन टेन क्वेश्चन दिए हैं ठीक है इट इज़ डैश एयर तो आपको प्रोनाउंस करना होगा आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा डिटर्मिनर यूज़ करना है ठीक है थैंक यू सो मच एवरी वन आई होप की डिटर्मिनर आप लोग को क्लियर होगा यू कैन ज्वाइन द ग्रुप सी बी एस सी क्लास नाइन एंड टेन ठीक है टेलीग्राम चैनल यूज अपना ज्वाइन कर लेना सी बी एस सी क्लास नाइन एंड सी बी एस सी क्लास टेन ऑल्सो हमारी बहुत सारी अभी स्पेशल क्लासेस होंगी सो यूज़ माई कोड ताकि आप स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सके इन फ्री आप जैसे ही मेरा कोड यूज़ करेंगे आप स्पेशल पूरी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं ठीक और इमर्ज टेस्ट जो हो रहा है दैट इज़ फॉर क्लास टेंथ स्पेशली क्लास टेंथ के लिए हो रहा है तो प्लीज उसमें से ज़रूर पार्टिसिपेट करें तब तक चलता रहेगा जब तक आपके एग्जाम्स नहीं कंप्लीट uh, हो जाते हैं टर्म वन के जो भी बच्चे टॉप करते हैं दे विल गेट फीचर्ड ऑन ऑल द अन अकेडमीज सोशल मीडिया हैंडल्स ठीक है ऑल इंडिया रैंक आपको पता चल जाएगी और जो आपने क्वेश्चन मान लो गलत कर दिया जो पेपर दिया है उसका आपको सल्यूशन मिलेगा वीडियो सोल्यूशन ठीक है पूरा एम पेपर है ये Plus and iconic, प्लस एंड आइकॉनिक अपने मेरा का का कोर्स होगा very soon I'll tell you the dates, but तुम लोग अभी प्लस ले लो क्योंकि अपने अमेजिंग ऑफर्स हमेशा चलते रहते हैं ठीक है यू हैव दिस फैसिलिटी कन्वीनियंस कहीं से भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं ऑल्सो यू हैव दिस फ्रीडम एक ही टॉपिक को आप दस टीचर्स से पढ़ सकते हैं जिससे अच्छा लग रहा है उससे पढ़ो ठीक है रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहते हैं एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है उसके बाद रिविजन होता है ऑल्सो यू विल गेट प्रॉपर मेटोरशिप एंड गाइडेंस आप किसी भी कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ठीक है पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ में मिलता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस टेस्ट एंड लाइव टेस्ट सीरीज़ क्योंकि आपको क्वेश्चंस की कमी होती है अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं ठीक तो वो यहाँ पे मेक श्योर sure होता है कि आपको मिले ठीक है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन आप देख लो प्लस के चार्जेस बहुत ही मिनिमल हैं दिस यू विल गेट आफ्टर माय कोड डिस्काउंट ठीक सिमिलरली आइकॉनिक में क्या है यू विल गेट ऑल द प्लस बेनिफिट्स प्लस आपको एक पर्सनल मेंटोर मिल जाता है जो कि आपकी यू नो पर्सनल गाइडेंस के लिए होता है ठीक है वो आपके लिए इंडिविजुअली डेडिकेटेड होता है कि आप कैसे पढ़ाई में ओवरऑल डेवलप करो ठीक है लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं यहाँ पे आपको वीकली रिपोर्ट मिल जाती है अपने ग्रोथ की कि कहाँ पे आप लाग कर रहे हैं कहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ऑल्सो पेरेंट्स कनेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पेरेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए तो हम उनसे भी तारीफ़ कर देंगे कि हाँ जी आपका बच्चा बहुत पढ़ता है मेहनत करता है स्टडी प्लानर बहुत ज़रूरी है हम लोग खुद से कभी कभी नहीं कर पाते हैं तो द पर्सनल मेंटोर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज गोइंग टू हेल्प यू प्लान योर टाइम टेबल एंड देन ऑल द बेनिफिट्स विच इंक्लूड्स प्लस सारे आपको वहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाते हैं ठीक है इसमें एक रेज हैंड फीचर होता है जिससे आप मुझसे बात कर सकते हैं वहीं सेशन में ठीक है थ्रू द कॉल और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मैं आपकी वहाँ पर अच्छे तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ ठीक है so, सो यहाँ पे बच्चा लोग आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं ट्वेल्व मंथ्स के प्लान से अगेन एंड इट इज़ अ वेरी मिनिमल चार्ज अगर आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है क्योंकि इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे ऑप्शनल से लेके सारे फाइव सब्जेक्ट्स ठीक मतलब आपका एस एस टी साइंस मैथ्स दोनों लैंग्वेजेस उसके अलावा आपका आई टी रहता है कंप्यूटर्स रहता है जो भी आपने ऑप्शनल में चूज किया हो यू कैन यूज़ दिस कोड टू अवेल द डिस्काउंट ठीक है आई होप यू गाइज लव्ड दिस लेक्चर और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वन शॉट में तब तक प्लीज मैंशन ऑल दी आंसर्स ऑफ द होमवर्क इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो थैंक यू एवरी वन थैंक यू सो मच